आपकी शादी कर दूं और शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती। शादी क्यों नहीं करनी? शादी नोमी, तुम ताईशान को अपने साथ लेके जाओगे? कोर्स, वो मेरी मामा है, उन्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। पर वो तो शुरू से हमारे साथ रहती है। हाँ, वो इसलिए कि उस वक्त तुम लोगों को उनकी बहुत जरूरत थी। चाचा जान अकेले तुम लोगों को पाल नहीं सकते थे, तुम लोगों की परवरिश नहीं कर सकते थे, वरना हमें क्या जरूरत थी तुम लोगों के साथ रहने की? हाँ तो बेटा, क्या प्रोग्राम है, वापस जा रहे हो या यहीं सेटल होने का इरादा? अरे नहीं चाचा जान, मैं यहाँ सेटल नहीं हो सकता, बहुत बोरिंग जगह है, और हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ तरक्की की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब इतनी अच्छी तालीम हासिल करके मैं यहाँ कोई मामूली जॉब तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है वापस जा रहे? जी, मैं मम्मी को लेने आया था, उन्हें अपने साथ ही वापस लेकर जाऊँ। अब जब मैंने प्लान कर ही लिया है कि मैं वहाँ सेटल हो रहा हूँ, तो अच्छी बात है कि अम्मी मेरे साथ रहे। सल्लू चलना चाहे तो ही इज मोस्ट वेलकम, अदरवाइज उसकी मर्जी। अच्छा, तो तुम भाभी को साथ ले जाने आ रहे? जी चाचा। ठीक, जैसे तुम्हारी खुशी। बस खुश रहो तुम अपनी जिंदगी में। थैंक यू। ये बताएं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। निम्मी के लिए भी रिश्ता देख रहा हूं मैं, सोचता हूं दोनों की शादी एक साथ ही कर दी जाए। जी। अपने जो करीबी दोस्त है ना, उन्हीं के बच्चों को देख लेते हैं, उसमें बड़ी आसानी रहेगी। भाई जान पहचान वाले होंगे ना, छानबीन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। बात सुन भाई, निम्मी को घर के कुछ तौर तरीके सिखला दे, खाना पकाना, सीना परोना, घर की सफाई सुथराई। अरे यही चीजें अगले घर जाकर काम आती है। वालेकुम सलाम भाई, मैं तो तुझे बुलाने वाला था, चल तू खुद ही आ गया। खैरियत? कोई बात है? नहीं, पहले तू बता, तू क्या कहने आया था? नहीं, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। वो मैंने तेरे लिए 2-3 लड़कियां देख ली है, बस 1-1.5 महीने में तेरी शादी कर दूंगा। मगर अब्बा जी वो। मगर क्या, क्या शादी नहीं करनी? नहीं, शादी तो करनी है। तो खुल के बात करना, क्या कहना चाह रहा है बोल। वो अब्बा जी, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। पसंद की शादी? एक आदिल, तू अच्छी तरह जानता है हमारे यहां इस किस्म की बातों की भी गुंजाइश नहीं है। एक लड़की जो शादी से पहले किसी नामहरम से दोस्ती कर ले, उसे मैं अपने घराने की बहू बना लूं? नहीं नहीं अब्बा जी, वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती। क्या वो तुझे नहीं जानती? जी अब्बा जी, वो मुझे नहीं जानती। वो सईद अंकल के घर जो शादी थी ना, वो वहां आई हुई थी, तो मुझे अच्छी लगी। देखा दिल, तू इस पूरी कायनात का वाहिद इंसान है जिसकी हर खुराफात में बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है तू किसी भी राह चलती लड़की को पसंद करेगा और उसको मैं अपनी बहू बना लूंगा। नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ वहां पे आई थी, और आपको याद होगा जब भाई और आप बात कर रहे थे तो उसने सलाम भी किया था आपको। वो लड़की? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जीती रहो। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों क्यों अब्बा जी, क्यों नहीं बन सकती? बस मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर मुझे भी शादी नहीं कर। क्या? मेरा मतलब है अब्बा जी, वो पसंद है मुझे, अच्छी लगती है मुझे वो। तुझे अच्छी लगी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, देखा था मैंने, बगैर सर पे दुपट्टा लिए फिर रही थी, नाच रही थी, ना शर्म ना लिहाज।
इस तरह की बेपर्दा लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन मियां जी, शादी ब्याह में तो ऐसा ही होता है ना, लड़कियां नाचती गाती हैं। मगर हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, तू जानती नहीं है क्या? भाजी वो एक शरीफ और मौजिज खानदान की लड़की है। ओहो, बड़ी मालूमात हासिल कर ली है तूने उसके बारे में। अबे इतना दिमाग तूने पढ़ाई में या दुकान में तो कभी नहीं लगाया। भाजी प्लीज मान जाइए ना, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं आपकी हर बात मानूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा, प्लीज मान जाए ना। भाजी किसकी लड़की है वो? शब्बीर अहमद होजरी वाले की। क्या शब्बीर की बेटी है? इतनी चुपचाप क्यों? नहीं तो फिर ये शक्ल पे बारह क्यों बज रहा? एक्चुअली मैं अपनी एक फ्रेंड की वजह से परेशान हूँ, उसके पेरेंट्स उसकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। कम ऑन लीज़ा, मैं इतनी दूर से यहाँ तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ और तुम हो के मदर टेरेसा बन दूसरों की प्रॉब्लम्स में उलझी हुई हो। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे मिलने आए हो? क्यों, क्या तुमसे मिलने के लिए मुझे पहले तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतना लंबा सफर तय करके यहाँ क्या करने आया हूँ? गपशप की फुर्सत तुम्हें नहीं है। बाहर कहीं मूवी देखने का प्लान बनाओ तो तुम मना कर देते। तुम यहाँ ताईजान के पास आए हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ स्पेंड करो। अलीजे, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मामा से मिलना होता तो मैं उन्हें अपने पास बुला सकता था। मैं यहाँ तुम सब के साथ टाइम स्पेंड करने आया और खास तौर पर तुमसे मिलना था। यू नो व्हाट अलीजे, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहे हो। एक बात और, हम कल बाहर आउटिंग का प्लान कर रहे हैं, सब मिलकर जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद हम मूवी देखेंगे और फिर डिनर करेंगे। तुमने मना नहीं करना। ओके डन। चांद, अब अपने इस अच्छे से प्यारे से दोस्त के लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक अच्छी सी कॉफी बना। अभी बनाती हूँ। गुड गर्ल, अच्छी सी, बहुत अच्छी कॉफी बनेगी। हिना, चाय कहाँ है मेरी? चाय भूल गई मैं। क्या? भूल गई? एक घंटा पहले मैंने तुझे कहा था कि मेरे सर में दर्द है, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना के ला। एक घंटे बाद तू आके कह कि मैं भूल गई। मोनी को पढ़ा रही थी, उसका टेस्ट है कल। बाहर में गई मोनी और उसकी पढ़ाई, क्या करना उसको पढ़ा गए? कौन सा उसने मेरा सहारा बनना है? खर्चा करवा के किसी और के घर चली जाएगी। एक बात गौर से सुन, पहले मेरा काम, बाद में किसी और का। मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ। कौन? मजाजी खुदा। क्या हूँ मैं? हाँ, मजाजी खुदा। क्या मजाजी खुदा? हाँ, जानती है ना मजाजी खुदा के हुकूक क्या होते हैं? बड़ी आलिम फाजिल बनती है, कॉन्वेंट की तालीम याफ्ता होके शौहर के हुकूक का नहीं पता। चल चल जा, मेरे लिए चाय बना। अगला चल चल चल। सो रहे
तुम यहाँ सो रहे हो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, उठ जाओ चलो। अम्मी सोने दे यार। अम्मी ये आपके लाड प्यार ने इसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है, ना ही ये पढ़ाई करता है और ना ही किसी और काम में इसका दिल लगता है। ऑलरेडी सर में दर्द हो रहा था मेरा। और भाईजान आपने पढ़ाई कर ली है ना, बस काफी है। क्यों, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास करोड़ों की जायदाद है कि तुम बैठ के खाते रहोगे। मैं बैठ कर खाऊं या काम करके, उसमें आपको क्या मसला है? वैसे भी मैं आप पर तो बोझ बनता नहीं हूं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता हूं मैं। वो तो नजर आ रहा है मुझे, आधे दिन में तो सोकर उठ रहे हो तुम। उसकी वजह है क्योंकि सारी सारी रात मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, चाचा जान शाम को घर आ जाते हैं और फैक्ट्री का काम मैं अकेला संभालता हूँ। अरे भाई चुप हो जाओ ना तुम दोनों, क्या फजूल बहस लेकर बैठ गए हो। अम्मी आप इसे समझाइए ना कि अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचता है ये, इंटर की तालीम भी कोई तालीम होती है। अगर अपने फ्यूचर के बारे में मैंने भी सोचा होता ना तो आपकी तरह बाहर जा चुका होता मैं। चाचा जान की तमाम जिम्मेदारियों में उनका हाथ कौन बटाता, उनका सहारा कौन बनता। मुझे भी पढ़ाई का शौक था भाई, आपकी तरह बाहर जाकर मैं भी चाहता था कि आला तालीम हासिल करूं, लेकिन चाचा जान ने पहले आपको भेज दिया था और मैं उन पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता था। और भाई ये तो आपका फर्ज था ना, आपका, चाचा जान ने आपको सपोर्ट किया था, आपको चाहिए था कि आप मुझे सपोर्ट करते, अगर आपको मेरा इतना ख्याल था तो। सिर्फ बातें कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता भाई, प्रैक्टिकली आकर मदद करनी पड़ती है। 8 साल तक तो आपको छोटा भाई याद नहीं था, मां याद नहीं थी, घर का कोई शख्स याद नहीं था, आपने कभी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। और अब 8 साल के बाद आपको याद आ गया कि आप बड़े बेटे भी हैं और बड़े भाई भी। कोई फायदा नहीं है इसका भाई, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, आप अपनी दुनिया में खुश रहिए। बकवास मत करो, तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, और ये सब कुछ आपका किया धरा है, आपने बिगाड़ा इसे अपने लाड प्यार की वजह से। जाइए, आपका बड़ा बेटा वापस आ गया, मेरा बड़ा भाई। और मेरी फिक्र मत करें, मैं फैक्ट्री जा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जाऊंगा। आप जाइए पराठे खिलाइए। नहीं अम्मी ऐसे तो नहीं होता ना यार। अबू जी देखिए मेरा बैट टूट गया। ओके ओके हमने हिला देंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि टूटा कैसे, क्या आप ही के सर पे ट्राई किया था? I wish. अबू जी आपको पता है आप ही में कल जिन सवार हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? थैंक यू। मेरा मतलब ये है कि पहले खुद आउटिंग का प्लान बनाया और जब मैंने बोला कि चले तो काट खाने को दौड़ी। तुम्हें हर वक्त सहरो तफरी की पड़ी रहती है। अबू मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। बेटा जिन तो कभी कभी सभी पे सवार होता है, जैसे तुम पे जब पाकिस्तान मैच हारता है। क्यों अबू जी ये कोई बात नहीं हुई, आप हमेशा आप ही की साइड लेते हैं। नो नॉट एट ऑल, मैं हमेशा दरमियान में रहता हूँ, साइड्स पे आप लोग होते हो, एक तरफ तुम एक तरफ तुम्हारी आप ही। अबू आपको याद है ना ये मेरा फाइनल ईयर है, मुझे प्लीज यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए एडमिशन लेना, आपने बताया था आपके दोस्त है वहां पे, अभी भी है ना? हाँ हाँ बेटा दोस्त तो है, लेकिन मैं पहले अपनी फर्ज से सबक दोष होना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। वाह अबू जी कितना मजा आएगा। और सुने मैंने पहले ही सोच रखा है मैं तो खूब लिट्टी डालूंगी। चुप करके बैठो, तुम्हें हर वक्त लुड्डियों की पड़ी रहती है।
मुझे अभी शादी नहीं करनी ना प्लीज अबू, मुझे आगे पढ़ना है। हाँ तो बेटा पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तुम्हारी शादी हो मैं उन लोगों से कहूंगा कि मेरी बेटी को आगे पढ़ने की इजाजत दी जाए। लेकिन बेटा ये मेरी मजबूरी है ना, देखो अभी नौवीं आया हुआ है अपने अम्मी को लेने के लिए, वो चली जाएंगी तो मैं अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगा, समझने की कोशिश करो। ऐसे मैं सोच रही थी कौन से नए गाने आए हुए हैं जिसपे मैं लुड्डी डाल सकती हूँ। बेटा लुड्डी के लिए एक गाना बहुत अच्छा है, गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मैंने शादी नहीं करनी, आप उसको गाने बताए जा रहे हैं। तो मैं बहुत शादी की पड़ी हुई, मैंने नहीं करनी, मेरी सुनता ही नहीं है यहाँ पे कोई। मेरी बात तो सुनो अली से, मेरी जान बात सुनो। देखा ना नाराज कर दिया तुमने अपनी बहन को, मेरी बात आपने भी तो कर दिया। और खैर आप मुझे बताया मुझे बैठ कब दिला रहे हैं। यार बहुत टेंशन हो रही है मुझे, दो दिन हो गए हैं अब्बा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा भी था उनसे, कह रहे थे कि सोच के जवाब दूंगा, अब तक सिर्फ खामोशी है उधर। देख यार आदिल, मुझे लगता है खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा है और आई बिलीव कि वो इनकार कर ले। मैं चुप कर यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ तो और तंग कर रहा है। यार तू खुद ही सोच, तेरे अब्बा अलीजा को शादी में नाचते हुए देख चुके हैं, और वो आदमी जिसे औरत का खुला सर पसंद है, भरी महफिल में वो अगर किसी को नाचता हुआ देख ले तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। एक बात बता तू दोस्त है कि दुश्मन, मैं वैसे ही परेशान हूँ और तंग कर रहा है मुझे, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, फोन बंद कर। जो तुम्हारी कदर करता होगा तुम्हारी अहमियत को खुद ही समझ जाए, लेकिन जो ऑलरेडी खुद परस्ती में पड़ा होगा वो कभी भी तुम्हें अहमियत नहीं देगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं मेरा पीछा? आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको अपनाना चाहता हूँ। अब्बा जी आ जाएंगे चेंज कर लो। अरे भाभी कुछ नहीं हो सकती। अरे निमित जाओ ना। कैसी बातें कर रहे हैं शेख साहब,